तो लीजिए पवन केसर के माध्यम से आपके समक्ष एक बुंदेली विधा चौकड़िया रखने का प्रयास कर रहा हूं। जब इंद्रजीत का वध हो जाता है, उसका हाथ और लंकापुरी में जाकर गिरता है, जैसे ही उसकी पत्नी सुलोचना ने उस भुजा को देखा, कहती है तो सुलोचन, हाँ सुलोचन देख भुजा घबराई, सुलोचन देख भुजा घबराई, सुलोचन देख भुजा घबराई, सुलोचन देख भुजा घबराई, बोली सुलोचन ऐसी वाणी, बोली सुलोचन ऐसी वाणी, हाँ बोली सुलोचन ऐसी वाणी, हाल लिखो सबो मेरे स्वामी। क्यों, अगर ये भुजा वास्तव में मेरे पति की है तो ऐ भुजा वह सारा वृतांत लिख दे जो कुछ भी हुआ है। लिखो सब मेरे स्वामी, हाल लिखो सब मेरे स्वामी, ओ तो लिख दई लंका लड़ाई, लिख दई लंका लड़ाई, सुलोचन देख भुजा घबराई, सुलोचन देख भुजा
पूजा से लोचन आई। लेकर भुजा से लोचन आई, रामादल में चिता बनाई, रामादल में चिता बनाई। तो शीश को दिया अपने पति का शीश चिता पर बैठे हुए और गोदी में रखे हुए हैं। एक यानी मुंदा मुर्दा अपने पति के शीश को वह अपने पति सतीत्व के बल पर हंसा देती है। देखें, शीश को दिया है हंसाई, लोचन इस लोचन हाँ से लोचन देख भुजा घबराई, से लोचन देख भुजा घबराई। लोचन देख भुजा घबराई, से लोचन देख भुजा घबराई। अरे स्याही कलम मंगाई, ओ स्याही कलम मंगाई, से लोचन